फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैंने एक रिचार्जेबल टेबल फैन बनाया है, तो इसको कैसे बनाते हैं पूरी डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले तो आपको एक मोटा वाला पीवीसी का पाइप ले लेना है। ये पाइप जो हमारे घर में वाटर सप्लाई है उसका पाइप है, तो ये थोड़ा मोटा होता है और हैवी होता है। इसमें आपको बराबर दूरियों पर 3 मार्किंग कर लेना होगा और उन मार्किंगों को ब्लेड के द्वारा काट लेना होगा। फिर इसको गैस में गर्म करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि ये पाइप अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। अब हम एक मोटर लेना होगा, आप कोई सा भी मोटर ले सकते हैं। इसके ऊपर सैंड पेपर को रखकर थोड़ा घिस लेना होगा ताकि पाइप के ऊपर एक खांचा बन जाए जिसमें मोटर अच्छे से बैठ सके, बिल्कुल इसी तरीके से। ये एक वाटर फिल्टर का कैप है, आप कोई सा भी बड़ा कैप ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट अगर पाइप को लगाएंगे तो हिलेगा। तो इसके लिए मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है और उसके ऊपर इसको स्क्रू के द्वारा टाइट बिठा दूंगा। पहले आपको तीनों पैरों पर 3 स्क्रू लगा देना है अच्छे तरीके से ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि जब फैन चलता है थोड़ा वाइब्रेट करता है। यह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है तो ये मजबूती के साथ बैठ गया है। अब इसके ऊपर मैं कैप को बैठा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है अब भी ये थोड़ा हिल रहा है, तो मैं इसके ऊपर और भी 2 स्क्रू लगा दूंगा ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले और एकदम फिक्स हो जाए। मैंने स्विच के लिए पहले से ही ग्रुप काट लिया था, तो आप कोई सा भी स्विच ले सकते हैं। मैं SPST स्विच ले रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छा वाला लेना होगा, एकदम फिटिंग आई है। तो इस फैन को मैं रिचार्जेबल बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक मोबाइल से चार्ज करने के लिए एक सॉकेट लगा दिया हूँ और ये है DC रेगुलेटर। इसको आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मैंने एक एडिशनल फीचर्स दे दिया है इसमें, तो इसमें एक छेद करके मैं इस रेगुलेटर को यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठा दूंगा। फिर पाइप में एक छेद कर लिया है और उसके द्वारा मैं वायर को पास कर दूंगा। ये वायर मैं चाहता हूँ कि साइड से निकल कर फिर मोटर में लगे, तो इसके लिए मैं एक और छेद कर ले हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना होगा तो काम जल्दी होगा। आपको छेद इतना बड़ा करना होगा ताकि दोनों वायर आसानी से इसके अंदर से निकल सके। ऐसे ही आपको दोनों वायर निकालना होगा, फिर मोटर को वहां पर बैठा देना होगा। और ये एक पत्ती है, ये पत्ती मैंने साइकिल रिपेयरिंग शॉप से लाया। इस पत्ती को आपके मोटर के ऊपर अच्छी तरीके से बैठाना होगा और दोनों की तरफ से स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट करना होगा ताकि मोटर बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिल सके। देखिए ये मोटर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब जो वायर है वायरों को मैं मोटर के साथ अटैच कर दूंगा, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना होगा। अभी अगर आपने वायर उल्टा लगा दिया तो फैन उल्टा घूमेगा और हवा आगे जाने की जगह पीछे आएगी।
अच्छे से लगा दिया है। और ये जो फैन की जाली है ये मैंने खुद ही बनाया है, तो इसको वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं मोटर के ऊपर स्क्रू के द्वारा इस जाली को लगा दूंगा। दोनों तरफ से दो स्क्रू लगा दिए। अब ये जो फैन का ब्लेड है ये मैंने मार्केट से ही खरीदा है। एक बार फैन को घुमा कर देख लीजिएगा कहीं पर अटक तो नहीं रहा है। अब ये ऊपर वाला पार्ट हम कॉपर वायर के इस्तेमाल से लगा देंगे इसके साथ। चारों तरफ अच्छे से वायर को बांध देना है। तो अब इसके वायर के कनेक्शन पे आते हैं। मैं पहले तो वायर को नीचे में एक छेद करके नीचे से ले गो, ताकि हमारा जो पूरा सिस्टम है बैटरी रेगुलेटर स्विच सब नीचे से कनेक्ट हो सके और वायर ज़्यादा दिखाई ना दे। अब हम आते हैं इसके बैटरी पर। ये 18650 जो लैपटॉप में जो बैटरी यूज होती है ये वो बैटरी है, 3.7 वोल्ट की बैटरी। आप मोबाइल का भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं ये बैटरी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि बैकअप अच्छा मिले। तो मैंने दो बैटरी पैरेलली कनेक्ट कर लिया है, मतलब प्लस के साथ, दोनों के प्लस एक साथ, दोनों के माइनस एक साथ। अब इस बैटरी को मैं डबल साइडेड टेप के द्वारा यहाँ पर चिपका लूँगा। ये है एक चार्जिंग मॉड्यूल, तो बैटरी को हमें अगर चार्ज करना है तो ये मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। मॉड्यूल के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है कनेक्शंस। बैटरी का प्लस चार्जिंग बोर्ड के प्लस में और बैटरी का माइनस चार्जिंग बोर्ड के माइनस में हम लगा देंगे। दोस्तों मैंने जो चार्जिंग का कनेक्टर लगाया था वो चाहे तो आप ना भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस सर्किट बोर्ड में पहले से ही एक कनेक्टर दिया होता, तो मैंने वो इसलिए लगा दिया ताकि हमें जो कनेक्टर का काटना पड़ेगा उसका बहुत टाइम लगता है, तो ये कनेक्टर लगाने से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो रेगुलेटर का दो वायर है मैं उसे स्विच के दोनों वायर में कनेक्ट कर दूंगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है दोस्तों। जो मैंने मोटर का नेगेटिव वायर है वो नीचे से निकाल कर एक स्विच में लगा दूंगा। स्विच के कोई भी एक टर्मिनल में आपको लगा देना है। जितना वायर आपका जरूरत है उतना ले लीजिए, बाकी का काट दीजिए।
जो मोटर का पॉजिटिव वायर है वो डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव में हम लगा देंगे। जो स्विच से एक वायर निकल कर मतलब एक में जो मोटर का वायर लगा है तो दूसरे टर्मिनल से एक और वायर निकल कर हमें डायरेक्ट बैटरी में जोड़ देना है। कनेक्शन बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोटर घूमने लगेगा और अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो नहीं घूम रहा है। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट सारा कनेक्शन हो गया है, अब सिर्फ हम चार्जिंग का कनेक्टर ऊपर लगाया था तो वहाँ से इसे कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो मैंने साइड में लगा दिया है। अब ये आसानी से यहाँ से कनेक्ट हो सकेगा। चार्जिंग कनेक्टर का प्लस मॉड्यूल के प्लस के कनेक्टर में और चार्जिंग मिनी पिन का कनेक्टर के माइनस में लगा देना है। दोस्तों वीडियो आप यहां तक देखे हैं तो आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों अभी हम इसे चार्ज करेंगे, जब तक ये रेड लाइट जलेगा तो इसका मतलब है चार्जिंग हो रहा है। अब इसका टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट अगर हम स्विच के दूसरी तरफ जब प्रेस करेंगे अभी ये रेगुलेटर काम नहीं करेगा, लेकिन हम स्विच के दूसरी तरफ जब ऑन करेंगे तब ये रेगुलेटर काम करने लगेगा, क्योंकि हम कनेक्शंस ऐसे ही कर चुके हैं। दोस्तों ये कम और ज्यादा हो रहा है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहां तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.